तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करें टगब डी सिरप के बारे में। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है सूखे खांसी में। तो कब डॉक्टर आपको इसे रिकमेंड करते हैं, किस तरह की समस्या में आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और जैसे कि फ्यूचर में और भी आप मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मोस्टली हम चार टॉपिक पर बात करने वाले हैं, किसका किस समस्या में इस्तेमाल करना है, इसका प्राइस क्या है, इसका डोज क्या है और इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। तो जैसे कि इसके अंदर कंटेन है वह फिनाइलफ्रिन है, क्लोरोफिनारामाइन मिलिएट है और डेक्सट्रोपन हाइड्रोब्रोमाइड है। तो जो तीनों मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड किए गए हैं और इसकी जो कॉस्ट है 100 ml की वह 95 rupees है टगब डी का। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है सूखी खांसी में, जब आपको आँख से पानी आता है, नाक बहती है, छींक आता है और आपकी आँखों में जैसे कि पानी आता है जिसकी वजह से वहाँ पे खुजली वगैरह होती है, तब इस समस्या में इसका इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपको सूखी खांसी बोलते हैं जिसमें आप खांसते हैं लेकिन कुछ निकलता नहीं है, और जैसे कि आपको बार बार नाक बहती है, आप नाक पूछते पूछते परेशान हो जाते हैं, तब इसका इस्तेमाल करना है। जैसे बोलते हैं रनिंग नोज या वाटर आइज, तब इसका इस्तेमाल करना है। तो इसका जो डोज है वह ट्वाइस डेली है 5 ml, अब अगर आप अडल्ट हो तब मॉर्निंग और इवनिंग, जहाँ तक हो आप इसे खाना खाने के बाद ही लें, बेस्ट रिजल्ट मिलता है इसका। तो अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में डिस्कस करें। अगर आप बिना डॉक्टर के सलाह से इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है आप डोजिंग ज़्यादा करें, ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल लेने लगेंगे तो ये कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे आपको उल्टी आ सकती है, जी मचला सकता है, भूख कम लगेगी, नींद ज़्यादा हो जाएगी और सर दर्द होगा, तो ये कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो मोस्टली ये अवेलेबल है सारे जगहों पे, तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो जैसे कि आप वीडियो चैनल पे पहली बार विजिट किए, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा। फ्यूचर में इसे अपडेटेड रहना चाहते हैं मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।